सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। क्या कोई देश चांद पर अपना कब्जा कर सकता है? क्या भारत भी चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान उतार रहा है और यहाँ पर कब्जा कर ये कह सकता है ये हमारा है क्योंकि ये हमने ढूंढा है? तो क्या ये संभव है? आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। चंद्रयान 2 6 सितंबर को चांद की सतह को छू लेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चांद का भी कोई मालिक हो सकता है क्या? क्या भारत चांद के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़कर ये दावा कर सकता है कि भाई ये तो अब हमारा है? क्योंकि अब तक तो जमीन के एक टुकड़े पर राष्ट्रीय झंडा लगाकर उस पर मालिकाना हक का दावा किया जाता रहा है। इसका संक्षेप में जवाब है नहीं, ना तो भारत और ना ही कोई और चांद को आपस में बांट सकता है। लेकिन इस पर दुनिया दो तरह के विचारों में बटी है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश फाइंडर्स कीपर्स नीति में विश्वास करते हैं, यानी जिसने ढूंढा वो ही रखे। अगर ये नीति के अनुसार चले तो भारत भी चांद पर अपना हक जमा सकता है। हालांकि इसका लंबा जवाब 1967 में संयुक्त राष्ट्र की आउटर स्पेस ट्रीटी से मिलता है। शीत युद्ध के चरम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें खास तौर से चांद को लेकर यह कहा गया था कि कोई भी देश चांद पर हक नहीं रख सकता है। जी हां, समझौते में ये भी कहा गया था कि चांद पर सभी राज्यों को खोज और उपयोग करने की इजाजत है, लेकिन ये सभी देशों के हितों में किया जाएगा। आसान शब्दों में चांद सभी का है और इसलिए किसी का नहीं है। 1967 में बड़ी अंतरिक्ष शक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किया और क्योंकि तब उन्हें लगता था कि चांद के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन असल में मुमकिन नहीं है। इसी वजह से 50 साल पहले जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अमेरिकी झंडा लगाया तो इसका मतलब ये नहीं था कि चांद अमेरिका का हो गया। आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरते समय का शब्द स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, यानी इंसान का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, साफ साफ समझाता है कि ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी इंसानी समुदाय के लिए एक बड़ी बात थी। चांद में अचानक नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है। जी हाँ, आपको बता दें, चाहे वो अमेरिका हो, नासा हो, अमेज़न के जेफ बेजोस या टेस्ला के एलोन मस्क, चीन और रूस सभी ने हमारे इस आसमानी पड़ोसी पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। पर क्यों? वजह वही है जिसके लिए चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 पर सरकार ने 978 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी, ऑक्सीजन और आइसोटॉप हीलियम 3 जो ईंधन के लिए काफ़ी अहम है वो वहाँ मौजूद है क्या। अगला कदम इन संसाधनों को हासिल करना होगा। अमेरिका और सोवियत ने चांद को साझा विरासत मानने से इनकार कर दिया क्योंकि अब चांद पर मौजूद संसाधन को हासिल करना मुमकिन दिख रहा है। तो हम 2019 में कहाँ खड़े हैं? जी हाँ, इस पर दुनिया दो तरह के विचारों में बटी है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश फाइंडर्स कीपर्स नीति में विश्वास करते हैं, यानी जिसने ढूंढा वो ही रखे। अगर ये नीति के अनुसार चले तो भारत भी चांद पर अपना हक जमा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।